5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था, सब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। जैसा अभी कहा गया, आप जिन मेडिकल कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली हैं। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिले और जहां अच्छे से अच्छे डॉक्टर रखे जाएंगे, जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में वही स्थिति होती है, जो कि वहाँ पढ़ाते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे, उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। जहाँ जितनी अधिक सुविधा होगी, उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं। आजकल यह एक आश्चर्य की बात है, पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है। विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में पिछले जो दो युद्ध हुए, उनमें जहां एक ओर अधिक से अधिक घातक यंत्र तैयार हुए, वहीं दूसरी ओर औषधियों के निर्माण में इतनी उन्नति हुई कि जो बहुत से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे, वे अब काबू में आ गए हैं। इससे जो जैसा लाभ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह उस विद्या से लाभ उठाए या उसे हानिकारक बनाए। यह आश्चर्य और दुख की बात है कि जहां एक ओर इस विज्ञान द्वारा आज इतने लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है, वहां उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक, चाहे वे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, इस बात को सदा अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होना चाहिए, ना कि विनाश। और जब सभी लोग इस ध्येय को अपने सामने रखेंगे, तो इस देश के वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान की जो प्रगति होगी, वह संसार तथा मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी होगी, विनाशकारी नहीं। ऐसा हमारा विश्वास है, यही दूसरे लोग भी समझते हैं। उनके साथ साथ किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें सुनी। चेयरमैन साहब, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हाउस के मेंबरों को बोलने में बहुत तकलीफ होती है। कई माननीय सदस्य 4 दफ़ा बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो हमदर्दी होनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत कम काम करती हैं, इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में इस साल पानी बहुत कम बरसा है, वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस साल का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। उनसे इस साल लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहाँ पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूं ही हुआ होगा। किसान रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, इस वास्ते उनका इस साल का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप गेहूं के दाम निर्धारित कर दें। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाज़ार में ले जाता है, तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम दाम में ख़रीद लेते हैं और ख़रीद कर अपने घर भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है, उस समय उसको दुगने या उससे भी अधिक दामों में बेचते हैं।
जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते ही नहीं हैं। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। इस वास्ते हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें, फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दें, ताकि किसान का गल्ला कम दामों में ना बिकने पाए। अन्न की समस्या आज बहुत विकट है। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। जब कामराज साहब वहाँ गए थे तो मैं वहाँ गई थी। उनके साथ किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। आजकल यह एक आश्चर्य की बात है, पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है, विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता को बड़ी कठिनाई है। वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे हैं। ऐसे जो स्थान हैं वहाँ आपको कदम उठाने चाहिए। वहाँ लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर आपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूँ तो जिन लोगों ने वोट दिया होता है और जिन्होंने नहीं भी दिया होता है, वे भी शिकायत करते हैं कि जब वोट का समय आता है तब तो आप कहती हैं कि लगान माफ़ होगा, गल्ला सस्ता होगा, गाय भैंस के लिए घास का प्रबंध होगा, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। अंग्रेज़ों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ़ होगा, नहरें खोदी जाएंगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लगान भी दुगना बढ़ गया है। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। हमारे मंत्री महोदय जब ज़िले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं। देहातों में जाएं तो उनको असली हालत का पता चले, लेकिन वे तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लू ना लग जाए। इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि उनको गांवों में जाना चाहिए। वहां जाकर उनको किसान की कठिनाई को समझना चाहिए, उनकी कठिनाई को दूर करना चाहिए। किसान इस समय बड़े भयभीत हैं, उनकी तरफ बहुत सा रुपया पड़ा हुआ है, तकावी का, बीज का, लगान का, बैल का इत्यादि। कलेक्टर या तहसीलदार उनको आज बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके बैल नीलाम किए जा रहे हैं, ज़मीन नीलाम की जा रही है, उसको कचहरी में ले जाते हैं और पटवारी तहसीलदार किसान को जिस तरह से परेशान करते हैं उसका लेखा मैं नहीं दे सकती हूँ, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आज भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। जब तक 500 रुपया या 300 रुपया या 200 रुपया लेखपाल को या पटवारी को ना मिले तब तक खाते में से नंबर वे लोग नहीं निकालते हैं। कचहरी में उन्हें परेशान किया जाता है और वे सब जगह परेशान होते हैं। जब वे इन सबके प्रति विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया। शुरू कर दीजिए जिसने लिखा हो। रुके,